ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਊਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦ ਬੈਸਟ 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 ਚੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਾਤੀਆ ਪਿੱਛੋ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ओ बारिश ओ बारिश गाइस गुड मॉर्निंग हाउ यू ऑल डूइंग वेलकम बैक टू द व्लॉग फ्रॉम कोटाबाग रिवर रंच एंड बारिश लगातार होते हुए आप फिलहाल सिमी नहीं जा रही मैं और आंटी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं वो कहती मैंने थोड़ी देर होर फोन दो अच्छा चलो भाई सो जाओ आप तब तक ब्रेकफास्ट कर लिए एक गल है इतने की ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ बहुत स्वाद है एंड कल ब्रेकफास्ट ऑमलेट आलू के परौंठे दलिया ये सब चीज़ा थी अज है पोहा आलू पूरी मैं और आंटी ब्रेकफास्ट फैन हो गए हैं सानू ब्रेकफास्ट करना बड़ा अच्छा लगता तो उन्हें थोड़ी देर इतों चैकआउट भी है साडा चैकआउट तो नहीं बट इतने आस पास घूमना है तो देखते हाँ कितने जाने मतलब अज इतने नहीं आऊँगा तो अज सू शायद तो जो भैया भानू भैया वो कितने लैके जाने देखते हैं ब्रेकफास्ट इज रेडी तो हम जब तक पैक पैक करेंगे ये देखो कर लेना चलो जी है? अपना इतो शूट डन है ये वाले लोकेशन का हाँ हाँ चलो 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 उन्हें फिलहाल थोनों इस प्रॉपर्टी का सब कुछ दिखावांगे प्राइजेज वराइजेज उन्हें भानू भैया तो पूछते हैं सब कुछ डिटेल्स तद तक नज़ारे इंजॉय करो इस प्यारे जे व्यू नू बाय बोलन का टाइम आ चुका है गाइज एंड बस समान जा रहा है अब जाके बारिश बहुत कम कम हुई है एंड हम फिलहाल फाइनल यहाँ से ये वाली लोकेशन से जा रहे हैं जाएंगे कहाँ नैनीताल एंड वो समान साडा रख हो रहा बस समान ऑलमोस्ट डन है गड्डी रखता है सिमी बस अपना मूँह धो रही है क्योंकि मेकअप किया से मूँह धो रही है तो कहती ट्रैवल में ईजी होएगा एंड इतने भानू भैया है जिन्होंने सानू बहुत अच्छी तरह असिस्ट किया एंड हर बारी इदा होंगे कि थोड़ा कोई प्रॉपर्टी विजिट कराने असं बट थोड़ा प्राइस नहीं पता चलता तो तुम थोड़ा मतलब एक डाउट च रेंदे हो कि यार किन्ने लगनगे क्या है किस किदा दी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी तो तुसी सारी देख ली है आस पास जगह दो तीन होर एक्सप्लोर करने वास्ते पर साडे को टाइम नहीं सीगा और बारिश करके मौसम भी इदा दा सी प्राइम सीजन इत्थे रहिंदा है कौन सा भैया सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम है तो प्राइजेस वही ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चेंज होंदा रहेगा उस टाइम भी क्योंकि सीजन का टाइम है बाकी नॉमिनल प्राइजेस जिहड़े हैगे बेसिक प्राइजेस वो आपां भानू भैया तो पुछ लैने आ तो भानु भैया मतलब अगर दो पर्सन आ रहे हैं तो कितने चार्जेस रहते हैं हमारे जो रूम के चार्जेस है इंक्लूडिंग मील्स रहते हैं 9500 इंक्लूडिंग मील्स लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्लस हाई टी रहता है ठीक है और साथ में आप बाकी हमारा जैसे बारबेक्यू तंदूर वगैरह चलता है उसका आप जो भी ऑर्डर देंगे उसका हम एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं ठीक है स्नैक्स में जो भी रहता है आप बाकी जो भी आपको दिन में चाय कॉफी कुछ भी चाहिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो चाहिए वो एक्स्ट्रा रहेगा और सेकंड हम लोग उसमें एक्टिविटीज सीख में जाते हैं जैसे हम एक रिवर ट्रैक पर लेके जाते हैं प्लस यहाँ पे लोकल ट्रैक हैं काफ़ी हाइक्स हैं छोटी छोटी व्यूज हैं तो हम मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपकी चॉइस हो तब हम लेके जाते हैं अच्छा ठीक है और जिस दो पर्सन के लिए 9500 इंक्लूडिंग मतलब खाना बहुत अच्छा है कल क्या होया मैं शेफ नू भी बुलाया मैं क्या खाना कौन बनाता है तो उन्होंने भी अप्रीशिएट किया यार अच्छा लगता है जब कोई इन्नी मेहनत करता है छोटे छोटे वर्ड्स कैंच कोई साडा हर्ज नहीं किसी का कुछ नहीं जाता तो अप्रीशिएट करते रहा करो एंड अगर तुसी चार चार लोग आ रहे हैं तो चार लोगों के लिए कितना है दो रूम लेंगे तो दो रूम के प्राइस लेंगे हमारे अगर बच्चे हैं तो बच्चे में हमारे पास एक दो रूम बंक बेड वाले ठीक है प्राइसिंग हमारा रहता है 10500 इंक्लूडिंग मील्स उसमें हमारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर अडल्ट रहते हैं जैसे किसी को होता है ऐसा कपल्स या फिर फैमिली उनको चार अडल्ट एक ही रूम पे रहना इसमें फिर हमारा 3500 पर पर्सन एक्स्ट्रा मतलब
30 जिन्ने बंदे आ रहे एक्स्ट्रा 3500 जोड़ दे जाओ। वैसे तो बंक बेड है चार, मतलब दो डबल बेड्स है ऊपर नीचे, तुम जिन्ना मतलब एडजस्ट हो सकते हो, और बाकी पर परसन अडल्ट दे तुहानू 3500 एक्स्ट्रा देने पैणगे। एंड अमेजिंग प्रॉपर्टी। एंड अगर भानू भैया ना तुसी गल करोगे बहुत मतलब लोकल ने तुहानू बहुत अच्छी तरह एडवाइस करनगे हर एक चीज़, एंड प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह एक्सप्लोर, आसपास भी अच्छी तरह एक्सप्लोर, एंड रस्ते जाते जाते जो पुराने ब्लॉग्स तुसी देखोगे स्टोरीज भी दसते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो डू विजिट दिस प्रॉपर्टी। इन्नी गल मार लिया बट वो हले तक नहीं आए, देख लो तैयार होके। बस आप निकल गए हैं इतों उपर जाने है। ये रास्ता है जी बाहर जाने वाला। मेरे को नहीं लगता वहाँ पे इतना कुछ होगा है सच। कहाँ पे? नैनीताल में। नैनीताल में मतलब? हाँ यार होता क्या पहाड़ों का, अभी हम नैनीताल की ओर जा रहे हैं, पहाड़ों का थोड़ा सिस्टम अलग रहता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी अलर्ट्स आ जाते हैं जैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला रोड है जौन सा देखना कितना पतला पतला रोड है एकदम। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर जाना बेटा, ऊपर जाना। हाँ हाँ ऊपर जाना है, ऊपर से ही तो आए थे अपन लोग। हाय बेचारे कुत्ते को देखो यार, क्योंकि तो कोना कोना होके जा रहा है बेचारा, वो नीचे उतर गया, बोल रहा मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये ऐसा कर रहा है कुत्ता। और ये देखो रोड कितने ये आ रहे हैं इन लोग का स्टाफ। हाँ बाय बाय भैया, नमस्कार जी, नमस्कार, बाय बाय भाई। गैगी देख के यार थोड़ा सा भाई, गैगी आराम से भाई, बड़ी गंदी रोड थी भाई साहब, गैगी देख के वो लोग थी भाई कुछ लोग लॉग बोल रहा हूँ, कुछ लोग और आए थे उन्होंने गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर दी, बट हमें क्या है पहाड़ों में चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो डर रही होंगी ना वो लोग। रात का टाइम था बट चलो फिलहाल हम निकल गए, और मेन बात नेट मिल जाएगा अभी हमें, सिग्नल सब कुछ आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। वो जा रहे हैं वो लोग इतनी देर से ऊपर ही चढ़ रहे होंगे सोचो, हम पैक कर रहे थे इतनी देर से अपना सामान। ये पता नहीं कौन सा पक्षी दिखा, मेल मोर नहीं है, फीमेल मोरनी है। हाँ मेल होता ना, मेल में वो पद वो होते हैं बहुत। बस ही मेन रोड आ गई, अभी हम हिरन भी दिखा था, हिरन भी दिखा उन्हें, क्या कहते सिमी दिखी जंगल काफी सारे। जंगल में नहीं है तो नहीं दिखी हमें, शेर देख ले बस कोई बचाया, शेर देख लो गाइस, शेर शेर। और भाई मैगी खाएंगे पहाड़ों की मैगी। ये लिया इन्हे रस्ते च खाने अंब, 5 किलो कहंदी दिल्ली तक खाऊंगी जाते जाते। चलो फिलहाल नैनीताल हो लिया भाई, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा, शिमला तो बहुत ज्यादा लग गए। एंड सामने ना छोटी छोटी जैसी, एंड लग ऐसे रहा है बीच बीच में कि हाँ मैं हिमाचल में हूँ बट नहीं मैं उत्तराखंड में हूँ, हिमाचल और मतलब वो तो पहाड़ों में ही हिमालयस में हूँ, बट जैसे देहरादून से बिल्कुल मसूरी एकदम से चढ़ाई करता है ना वैसे ही यहाँ पे भी नैनीताल है, एकदम से सीधा चढ़ाई है। रोड देखो यार क्या प्यारी है, एक होने मैंने पहाड़ दिखा बेस्ट पहाड़ एवर, वो देखो मतलब क्या पहाड़ लग रहे हैं यार वाला, पास तो दिखाऊं ये देखो ग्रीन कलर दा लेक है, ये भी लेक है, वो देखो एक झरना उठे, बहुत प्यारा रोड है, ये लेक
है कोई नैनीताल 10 किलोमीटर इतों ठंडे लेक है इतने स्पॉटर स्पोर्ट्स होंगे होंगे पहाड़ हूँ सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बहुत प्यारा उत्थे नाले छोटे छोटे एक माता का मंदिर भी देखो उत्थे माता का जिन्हों का भी मंदिर है बहुत प्यारा पहाड़ है यार इत्थे एक जगह रुके हैं असी हुण फिलहाल एंड क्या कहिंदे इत्थों क्या प्यारा व्यू आ रहा नदी भी दिख रही है है ना वो देखो शायद वो नदी जा रही है उतो ओए होए 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 वो देखो शहर दिख रहा है वो शहर है पूरा एंड बस इतो 5 किलोमीटर दूर है बहुत प्यारा लगा जाएगी देखो अच्छा लगा हाँ वो अपने घर बताने जा रहा है बहुत स्वाद है चलो चले है ना बस ऑलमोस्ट विजिबल है पहाड़ों के पीछे पेड़ों के पीछे नैनीताल दिख ही गया आई थिंक गाइस वी आर फाइनली इन नैनीताल एंड मॉल रोड पे पहुंच चुके हैं हाले फिलहाल होटल शॉट कर रहे हैं सामने व्यू चेक करो बहुत मुश्किल होता है गाइस व्यू बहुत प्यारा है बट होटल नहीं मिल रहे होटल की दिक्कत हाय गाइस बहुत ही प्यारा एंड ओल्ड स्कूल जा सानू होटल मिला है होटल का मैं थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाना पाने स्टाइल ब्रिटिश टाइम का बनया हुआ है ये सब कुछ ब्रिटिश टाइम का है एंड आ देखो कृपान लगी हुई है एक आप कृपान ही कहोंगे एंड बहुत प्यारा बहुत ओल्ड स्कूल टाइप वधिया जिहा ये अपनी ये वाली स्पेस है ये देखो इतने पुराना अग वाले स्टाइल का कुछ बनया हुआ है बट बेस्ट चीज है इतने की द बेस्ट 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 चीज व्यू देखो इतों एरिया मॉल रोड ठीक है एंड यह सामने है नैनीताल की लेक आस पास शहर वसया हुआ है बहुत ही प्यारा बहुत ही वधिया मामला इतने एंड बस उन्हें जल्दी जल्दी चेंज करके घूमिए बिकॉज कल यार ये वापस जा रही है सिमी सिमी इज गोइंग बैक सिमी गोइंग बैक चलो हमने आप निकल गया एंड ये ऊपर अपना होटल है इतों सामने का व्यू आता है एंड 6 to 8 PM तक इतने मॉल रोड के उत्ते कोई गड्डिया अलाउड नहीं है मजे नाल इधर उधर घूमो उन्हें फिलहाल सिमी की फेवरेट जगह जान रहे डोमिनोज इनू गार्लिक ब्रेड खानी है इन्ने दिन की मिली नहीं वो खानी है ओए होए 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 क्या प्यारा लग रहा सिमी नाच ले थोड़ा डोमिनोज दिख गया ऐसे एक ना ये नया आया वॉल्केनो चीज करके डोमिनोज आए कोई है ही नहीं इतने खा खू के किसी ने रखे हुए 00 ऑर्डर नंबर कोई भी है नहीं काफी वधिया लग रहा है इतने सवेरे आप ब्रेकफास्ट हाँ नीचे है ना इस सवेरे आप ब्रेकफास्ट करेंगे हाँ लिंक लिख दो बताओ ना जल्दी लिंक लिख दो ना बस यार थोड़े गंद वंद जड़ा है ना दूरों अच्छा लगता है पास तो आके जब दिखता है ना अपने ही लोग होंगे ने जो सिटते ने चलो बट बहुत प्यारा व्यू लग रहा सनसैट हो गया एंड वो वाला पहाड़ है जो मैं तुम्हें पहले नहीं दिखा रहा वो वाला वो नुकीला नुकीला उस पहाड़ तो इस साइड आए हैं चलिए बाकी मॉल रोड घूमिए नैनीताल घूम रहे हैं फिलहाल मॉल रोड पे एंड सिमी क्या कह रही है कि एक इन्फ्लुएंसर है अच्छा ये ना हाँ, इनकी मम्मा बैठी थी पागल वो लेना चाहिए तो वो लिया नहीं क्या ने? क्या लेना चाहिए था मैं ले रहा हूँ ना ये डॉली सिंह की मम्मा की दुकान दिखा रही है मुझे मुझे नहीं पता कि उनकी दुकान है कि नहीं है बट ये मुझे बोल रही है शुद्ध शाकाहारी न्यू दिल्ली चाट देखो ना जरा कितना मोटा कुत्ता है
ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर गया मेन मॉल रोड से। इतने कोई चौंक है और फिलहाल खा रहे हैं। कोई और पकौड़े खाने? क्या प्यारा लग रहा है ना, ये क्या है बोट वाले साइड में? ये पता नहीं इन्हें क्या लेता है, चिप्स क्या मैं खानी होनी है। मैंने इतने छलियाँ ये सब मिल रहा है। इतने एक पहाड़ी स्टोर करके हैं, उठे आए हैं। एप्पल बर्फी, पाइन एप्पल बर्फी, देखिए जरा कितने का है। देखिए उठाना जरा, मेरे हाथ में वो है ना, एक में फ़ोन है। कौन सी वाली देखी? ना एप्पल बर्फी देखिए कितने का, दो की उठा दी सीधी। 180 की खानी है क्या आंटी? देखते हैं, चलो पहले ये तो ले। मेरा अचानक बड़े दिन बाद वापस स्केच करने का मन किया और ये हैंडमेड पेपर दिख गया मैंने। उल्टा कर रही है, रहने से मैं ये आया एक एक्सपर्ट यहाँ पे तांतिया बिच्छू वगैरह भी है, पेंगुइन भी है। अच्छी लग रही है ना? नहीं लग रही अब। मम्मा आप कैसी शॉप से? अच्छी लग रही है ना? ये वाली मार्केट एक्सप्लोर कर ली। यहाँ पे एक द पहाड़ी स्टोर करके है, वो अच्छा है। एंड ये देखो यार रात का व्यू, ऊपर तक पहाड़ और थल्ले पूरा नैनीताल। फिलहाल एक ना मैं देख रहा सी, मेरा कुछ बेकरी ते जानदा मन सीगा, तो इतने बेकरी मैं लभी है साथले, पता नहीं क्या किधर प्रोनाउंस कर दे, वो वाली बेकरी है, उस वाल चलते हैं हमें। वो देखो पूरे नैनीताल की लाइट चली गई, एक और ही चीज चली गई थले वाली लाइन। चलो चलिए तो सही उस साइड उन्हें मैं लभी बेकरी, सब तो फेमस बेकरी इतने मिली मैनू द साकले 1944 दी बनी हुई है। चल चलो चलो। सबसे मोटे कुत्ते मैंने नैनीताल के देखे हैं, वो तो भालू की प्रजाति का लग रहा था पता है। कुत्ते हो गए हैं मोटे। अभी चलेंगे हम साकले। पिन पार्टी नहीं है ये, पफ तो नहीं खाना पार्टी, पफ अभी खा ले। ऑल सेंट्स कॉलेज, ये देखो जिथे आप हमने खड़े हैं ना, ये मेरा स्कूल है। ये देखिए जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये देख डिस्ट्रॉयड इन लैंडस्लाइड इन 1880 प्रेजेंट डे प्लेस स्टैंड एट द लोकेशन वेयर द थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस वर, थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस ये और ये इस जगह पे ये है, इस जगह पहले विक्टोरिया होटल होता था। ये मलीतल है, मलीतल हाँ। काफी सारे मतलब ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं चीजें। ये भी क्या उन लोगों ने किया करके रखा हुआ था? ब्रिटिशर्स ने हाँ हाँ। ये भी हाँ, सब नैनीताल अच्छा दिखता था ना, तो क्या अच्छी चीजें रख लेते थे क्या लोग? हाँ अगले ही पार्टी सिमी दी फेवरेट, अगर सिमी नु कोई भी ऐसा फैन मिले उन आलू बैठ के गिफ्ट कर दे करो। साकलेस कैफे रुक जाओ एक बार देखते हैं हमने यहाँ से क्या क्या लिया। साकलेस से काफ़ी सारी चीज़ें थी बट हमने लिया एक चॉको ट्रफल, एक लिए वाली पाइन एप्पल पेस्ट्री और क्या लिया, हाँ एक जो चॉको सिनेमन रोल यहाँ पे था वो लिया। गुड कैफे, इस चौंक तो थोड़ा इस साइड आना पैंदा फिर ये बेकरी दिखती है, तो आप तो पैक करा लिया जाके मैं वापस दिखा दसूँगा कि बहुत हिट हैवी है कि नहीं। बढ़िया ये ना कुछ ले लिया, हले पार्टी वार्टी भी खा ली अपा। मैं और आंटी ने सोचा मोमोज खाने थे, तो मोमोज ट्राई करते हैं। एंड भाई मोमोज बना रहे तब तक, फिर तू तो आम ही खाएगी जो आम लिए था। लो जी गाइस वी आर इन द रूम, बैक इन द रूम एंड इतने चलता है डोरेमोन। बाहर का मैं दोबारा थोड़ा माहौल दिखाना, बड़े ओल्ड ओल्ड होटल वाइब्स है बट मज़ा आ रहा है। वो देखो सामने
लेक सवेरे जो इतो व्यू आएगा वो एक नंबर आएगा। ये मॉल रोड है एंड ठंड हो रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड तो हो रही है। चलो तब तक असी ये जो लेके आए हैं ये ट्राई करिए, फिर मैं थोड़ा दसा। ये तीन पेस्ट्रीज और एक 800 रुपए के हैं, 850 रुपए के हैं। तो ट्राई तो करना बनता है कि वर्थ इट है कि नहीं है। बढ़िया, अच्छा है, गुड टेस्ट है। तीनों का एक अपन सिनेमन रोल लेता सी, पाइन एप्पल पेस्ट्री, एक चॉकलेट पेस्ट्री। पर 500 तक ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब कैफे उन्ना वधिया नहीं बनया होया है ना, कैफे उन्ना वधिया नहीं बनया होया जिन्ना मतलब पार्टी अच्छी नहीं थी। हां अपा मैं लाल को देख रही हूं, आलू पार्टी वो रूम में दादा है ना, एंड ठीक सेगा वधिया सी। फिलहाल इस नु खानेया फिर अपा जानेया सो, कल अपा इनन नु थोड़ा नैनीताल घुमावांगे, आप भी घुमावांगे, शायद बोटिंग भी करांगे, मोस्ट प्रोबेबली बाद में चले जाऊंगा। उस तो बाद ये दिल्ली चले जाएगी एंड मैं एक और नवी लोकेशन पे जा रहा हूं दोबारा। नहीं लोकेशन पर आनी है, दसो केड़ी वाली लोकेशन है, बट उस भी थोड़ा सस्पेंस है। चलो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, चंगा फिर अगली बार, एंड शेयर सॉरी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो कर लो और कमेंट कमेंट जरूर करो है ना। मुझे गुस्सा आ रहा है गाइस, रूम दे स्विच दिखाई मैं, इसको कितने बड़े हैं।